अलैकुम जी, मेरा नाम है कदीर खान, एमपिल फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अच्छा, आज हम पढ़ लेंगे, इससे पहले जो कोर्स 9 का वो हमने पढ़ चुका है, मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये चैप्टर का नाम है। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उससे पहले हमें जो है वाइब्रेटरी मोशन एंड आइसोलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना होगा। वाइब्रेटरी मोशन और आइसोलेटरी मोशन एक ही है, आप वाइब्रेटरी मोशन कहें या उसे ऑसिलेटरी मोशन कहें, एक ही है। आइए हम उसकी डिफिनेशन करते हैं। उसका डिफिनेशन कुछ यू ही है के टू एंड प्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मीन पोजीशन एट अ वन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। आर का मतलब है कि या वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जा सकता है और ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, तो सिंपली आपको इस चीज को डिफाइन करना है, ठीक है। ये शब्द क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, दोनों एक ही है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि टू इन प्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के मतलब zigzag मोशन जो होता है, बैक एंड फोर्थ, जब कभी फॉर एग्जांपल आप यू समझ लें कि आपके पास कोई झूला है, वो कभी इस साइड पे जाता है कभी इस साइड पे जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो झूला हमारे पास है, ये जो इधर उधर जा रहा है, ठीक है, अब एक मजे की बात बता दूं, ये पॉइंट ए ले ले, ये पॉइंट बी ले ले, अब कभी जब ये इधर आएगा कभी उधर आएगा, लेकिन एक वक्त आ जाएगा जो वो मीन पोजीशन में, ये मीन पोजीशन कहते हैं इक्विलिब्रियम को, किस चीज को, इक्विलिब्रियम को कहते हैं। जिस पॉइंट से हमने इस झोले को क्या कर दिया था, इसको हमने स्ट्रेच किया था, खींचा था, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन जितना इधर आएगा उतना ही इस साइड पर जाएगा, एक वक्त आ जाएगा जो मेन पोजीशन पे वो क्या हो जाएगा, दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा। इस डिफिनीशन का मतलब ये था। अब बेहतर होगा कि इसके हम एक डिफिनीशन भी ले लें। आप एग्जांपल दे सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में कि द बेबी सिटिंग इन अ क्रेडल, आपने एक बच्चे को एक झूले में बैठा होगा, वो जब आपने बिठा लिया, अब उसको आपने थोड़ा सा पुश कर दिया, ठीक है। अब जब आपने पुश कर दिया तो मजे की बात ये है कि ये बैक एंड फोर्थ मोशन एहतियार करेगा, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दोबारा ये आ सकता है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। द स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन का या ऑसिलेटरी मोशन का, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई आपसे वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पूछे या ऑसिलेटरी, ये दोनों एक ही है, ठीक है। अब डिफिनीशन में ये कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। द स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके साथ जो है ये डिपेंड करेगा ऑसिलेटरी मोशन पे, मतलब या वाइब्रेटरी मोशन पे, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करेगा, क्या चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये डिफिनीशन भूल जाए तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर जब प्रोड्यूस हो जाता है, जब हमारे पास फायदा होता है, विद द नेट पोज। अभी मैथमेटिकली और मैं आगे बता दूंगा कि मैथमेटिकली हमें इसको कैसे प्रूव करते हैं। आप हम कह सकते हैं कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर विद द नेट पोज, द नेट पोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, ठीक है, हम जितना फोर्स इस पे लगाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब है कि ये है कि आप जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट, एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब ये है कि आप जितना फोर्स उस पे लगाते हो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा।
उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेक फोर्स, ठीक है, नेक मतलब तमाम फोर्स जो है जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन यही है कि जिस पोजीशन से आपने यहाँ पे जिस जोले को आपने इधर किया या उधर किया, मेन पोजीशन से आपने उसको डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब होने के बाद एक वक्त दोबारा आ जाएगा कि वो उसी पॉइंट पे दोबारा मेन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। द पोजीशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, पी टी जेड का मतलब पोजीशन, ठीक है। तो कहने की मतलब है कि मेन पोजीशन में दोबारा वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म आपको लिखना होगा, मैथमेटिकल फॉर्म आपको यही है, मैथमेटिकली आपको लिखना है कि द फोर्स, नेट फोर्स, यहां भी मैंने जिक्र किया था ना कि जितना फोर्स आप लगाते हो उतना ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब फोर्स, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का ये कांसेप्ट, इसके साथ कुछ ना कुछ कांसेप्ट जरूर आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट वही होता है विच डज नॉट चेंज, डज नॉट कि वो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, ठीक है। आपने जिस तरह कूलम्स फोर्स पढ़ा होगा या आप पढ़ चुके पढ़ेंगे इसके बाद कि के का एक महसूस वैल्यू होता है 9.9 समथिंग इज दिस, कि ये जो हमारा जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में आप 9.8 मीटर पर सेकंड जब ले लेते हो, ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी को आप रिप्लेस करते हो तो आपके पास मस्ट बी रिक्वायर्ड कि आप यहाँ पे कुछ कांस्टेंट जरूर लगाएंगे। अभी इसका समझ तो जरूर आया होगा, यहाँ पे जरूर आया होगा आपको कि हमारे पास नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स वही होता है जिस पे जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही उस बॉडी में क्या होता है, मतलब पुश उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो पुश हम जो लगाते हैं ये हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन में होगा, तभी हमारे पास जो है ये नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है ये शक्तिस्थिर टू पॉइंट के दरमियान जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक हमारे पास इसका पॉइंट, इसका हदूद हमें मालूम होता है कि इसका इस हद तक जाएगा, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज क्या, वेलोसिटी जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं। अब ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का मतलब है कि आप जितना फोर्स उस पर लगाते हो एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जितना आप ज्यादा फोर्स लगाते हो उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब जो आप एक्सीलरेशन जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब नेक्स्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट यही है कि सिंपल हार्मोनिक एसएचएम किस चीज को कहते हैं। सिर्फ एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका शॉर्ट जो हम जाहिर करते हैं इसके बाद वो एसएचएम होगा। एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मजे की बात ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज की जरूरत होता है, इसके लिए अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे एसएचएम के लिए हमारे पास दो ही चीजों की जरूरत होती है। अगर दो चीजों की समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको एसएचएम का समझ आ गया। उसमें मैं लिख देता हूं कि देयर आर मेन टू थिंग्स रिक्वायरमेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, एसएचएम, ठीक है। दो चीजों की जरूरत है तब आपके पास एसएचएम खुद बहुत बन जाएगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। उसमें अगर मैं आपको बताते जाऊं, एक है फर्स्ट को जो है वो है ऑसिलेटरी सिस्टम। जिस तरह ऑसिलेटरी सिस्टम तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास ऑसिलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें बैक एंड फोर्थ मोशन ही होता है, वो तो हमने पहले पढ़ चुका है लेक्चर स्टार्ट में। अब ऑसिलेटरी सिस्टम है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स से हमारी क्या मतलब है, रिस्टोरिंग फोर्स से हमारा मतलब है कि अगर एक जोली यहाँ पे कोई हमने हमारे पास झूला है, इस पे हमने पॉइंट ए पॉइंट बी, अब कभी ये झूला यहां जाएगा, लेकिन रिस्टोर फोर्स ये कि आप फोर्स तो आपने यहां से लगा दिया था, आपने फोर्स राइट हैंड साइड पे लगाया था, ठीक है, राइट हैंड साइड पे लगाया था, वो बजाते खुद जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। ये जो
ये भी एक कोर्स है, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे चला जाता है, लेकिन ये जो उसको खींच लेता है पीछे की तरफ, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग कोर्स। मतलब आप आगे जा रहे हो, कोई आपको पीछे तरफ धकेल देता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या है, रिस्टोरिंग कोर्स। पहले काम यही हो गया कि ऑसिलेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऑसिलेटरी सिस्टम में रिस्टोरिंग कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास रिस्टोरिंग कोर्स नहीं है तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आ सकता, ऐसे चेम आपके पास नहीं आ सकता। सेकेंड वन जो है वो है ऑसिलेटरी सिस्टम है इनर्शिया। ऑसिलेटरी सिस्टम में अगर इनर्शिया नहीं है, ऑसिलेटरी सिस्टम में अगर इनर्शिया नहीं है तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। अभी क्वेश्चन अराइज है कि व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया क्या है। इनर्शिया मैं आपको बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, यही पे आपको मैं नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इनर्शिया इसको कहते हैं कि जो बॉडी डिस्टर्ब होता है अपनी पोजीशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि वो झोली है, वो झोली में कोई लड़का हमने इधर बच्चे को बिठाया हुआ है, अब उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब ये झोला जो है यहाँ पे जो मेन पोजीशन है इसको कहते हैं, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम मेन पोजीशन कहते हैं, क्या मेन पोजीशन, ठीक है। अब ये जो मेन पोजीशन से हमारे पास कभी इधर आएगा कभी उधर आएगा, ये बॉडी नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, लेकिन ये पोर्स की वजह से, पोर्स की वजह से ये बॉडी कभी इस साइड पे जाएगा कभी इस साइड पे जाएगा। अब जो डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हम जो कहते हैं इसको हम इनर्शिया कहते हैं। बॉडी डिस्टर्बेंस ऑर्डर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मजे की बात देखिए, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन, वो कंडीशन जो मतलब सेटिस्फाइड करे तब ही हमारे पास एसएचएम आ जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाए। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा इसके लिए मैं टोटली चार पॉइंट लिखता हूं, चार पॉइंट समझ आ जाए तो यू कंसीडर दैट कि आपको कंप्लीटली समझ अंडरस्टैंडिंग आया हुआ है किस चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ चुका था कि एसएचएम के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की जरूरत होगी, आपके पास दो चीजें हैं, ऑसिलेटरी सिस्टम है, रिस्टोरिंग पोर्स है, आपके पास एक चीज तो सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यही है, ये मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है और ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन नहीं आ सकता इस एचएम का। अब मजे की बात ये है, नेक्स्ट जो है ऑसिलेटरी सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, जिस चीज के हम काम करते हो वो आपको क्या होता है, एक सिस्टम भी। जिस तरह मैं बोर्ड में लिखता हूँ ये हमारे पास एक सिस्टम है। फिर सिस्टम भी दो किस्म के होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, वहां पे मैं नहीं जाता, लेकिन ये इतना भी याद रखे सिस्टम वो होता है जिस चीज पे आप काम करते हो आपका एक सिस्टम है। सिस्टम है इनर्शिया, आपके पास पहले तो रिस्टोरिंग पोर्स भी आया, रिस्टोरिंग पोर्स के बाद आपके पास इनर्शिया भी है। ये दो चीज ऑसिलेटरी सिस्टम है या वाइब्रेटरी मोशन सिस्टम है, वो उसमें इनर्शिया आ गया, ये तो आपके लिए रिक्वायरमेंट था, वो तो आपने पूरा किया। अब चार पॉइंट वही है जो आपके पास क्या होते हैं, नेसेसरी है, जरूरी है, ये नहीं है तो आपके पास एसएचएम नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उस कंडीशन में जो मैंने लिखा है ऑसिलेटरी सिस्टम मस्ट बी हैव फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा उसको मैं डिटेल से पढ़ूंगा। अब सिर्फ स्टार्टिंग है, आपको जहां तक मैं समझा रहा हूं वहां तक समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास ऑसिलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट में लिखा है कि ऑसिलेटरी, अब ऑसिलेटरी सिस्टम है मस्ट बी हैव टू इनर्शिया, अच्छा फ्रिक्शनलेस सरफेस, वही फ्रिक्शनलेस का क्या मतलब है कि जिसमें रगड़ आपकी मुजाहमत नहीं हो, फ्रिक्शनलेस हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर दी एसएचएम ये है कि अगर आपके पास ऑसिलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और उसमें इनर्शिया है, इनर्शिया क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी होता है, एक बॉडी नहीं चाहता कि मैं अपनी पोजीशन से
यहां पे चले जाओ, लेकिन किसी फोर्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अब थर्ड कंडीशन ये है कि ऑसिलेटरी सिस्टम मस्ट हैज रिस्टोरिंग फोर्स। आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है तब ही आपके पास क्या है, आपके पास SHM आएगा। थ्री कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है कि द ऑसिलेटरी सिस्टम मस्ट हैव ओबे द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हम पढ़ेंगे आगे कि हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, सही है? वो हम एक लॉ है, एक जिसने एक सर्कस का नाम था जिसने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस SHM के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे। आगे उसका एक अपना टॉपिक है, इसके बाद उसके कुछ कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है और इतना भी समझ लीजिए। अब बेहतर है आपसे जो ये लॉ क्वेश्चन में आपको करना है, जब आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर जस्ट डिफिनीशन मतलब मांगता है तो आपको जो है ये लिखना है। अगर डिफिनीशन के साथ सिर्फ आपको मैथमेटिक्स भी लिखना है बस, आगे छोड़े। अगर वो आपके पास लॉ क्वेश्चन की बात करता है तो आप यहां से स्टार्ट लोगे, यहां एग्जांपल तक आपको करना है। अब एग्जांपल में दे रहा हूं कि द मोशन ऑफ द मास, ये एक SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल ये है। मैं आपको थ्री एग्जांपल दे रहा हूं। एक ये कि द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, आप क्या करें, एक मास ले लें। मास का मतलब क्या है कि आपने इधर एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है आपके, आपने इसके साथ एक मास को अटैच किया, ठीक है, क्लियर। अब जो मास आपने अटैच किया ये क्या करेगा, ये कभी इस साइड पे जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, जब ये वापस आ जाएगा ये यहाँ पे एनर्जी को क्या करेगा, स्प्रिंग रिस्टोर करेगा, उसके बाद बैक साइड जब आ जाएगा ये वो रिस्टोर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, मास अटैच टू स्प्रिंग। ये मास है हमने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेटिस्फाइड एग्जाम्पल है किस चीज का, SHM का। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखिए, मोशन ऑफ द प्लेस इन द बॉब। आप सपोज करें कि आपके पास ये एग्जाम्पल जो है, आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बॉब है कि आपने इधर किसी चीज को मतलब बांधा हुआ है, आपने जो है थोड़ा सा घसीटा, आप जब आपने घसीटा ये कभी उधर इस साइड पॉइंट ए पे आएगा, कभी बी पे आएगा, एक वक्त आ जाएगा जो मेन पोजिशन पे वो रुक जाएगा, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम जो उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ द बॉब अटैच टू स्प्रिंग, आपने क्या करना, एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया। ये पूरा डिटेल था सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अब मैं थोड़ा रिपीट करता हूं और रिपीट करने के बाद आप यहां पे देख लें चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसकी बात क्या है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स क्या होता है, आप उसकी जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं हमें पहले पढ़ना चाहिए कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है और ऑसिलेटरी। ये वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन एक ही मोशन है, ठीक है, इसके टू एंड फ्रो मोशन होगा और बॉडी जो है वो अबाउट ऑफ द मेन पोजीशन में क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, कभी इस साइड जाएगा कभी उधर जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो उसी मतलब ऐसा घूमेगा ऐसे घूमेगा, एक वक्त आ जाएगा कि वो अपनी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम इसका वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ये आपका डेफिनेशन है। और उसके अभी एग्जांपल अगर उसको देना चाहते हो शॉर्ट क्वेश्चन में कि द बेबी सेटिंग ऑन द क्रैडल, आप एक बच्चे को एक झूले में आपने बिठाया हुआ है तो क्या करेगा वो, बैक एंड फोर मोशन करेगा, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्पेशल टाइप्स आपको वाइब्रेटरी मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ये मोशन कब आकर होता है, कब प्रोड्यूस होता है, उस टाइम होता है जो नेट फोर्स जो है एक बॉडी पे अप्लाई हो जाए वो आगे डिस्प्लेसमेंट को क्या करे, वो डिस्प्लेसमेंट को उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म अगर आप देख ली, आप इसका मैथमेटिक्स भी आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक फोर्स है, हमने एक बॉडी नेट फोर्स लगा दिया, जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही बॉडी आगे जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को वो कवर करेगा। उसके बाद जितना ये अब एक्सीलरेशन जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना आप एक्सीलरेट करते हो कितना आप ज्यादा पहुंचेगा उतना ही ज्यादा स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर आर मेन टू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो चीजों की जरूरत है, एक तो ऑसिलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटरी आप लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा है स्टार्टिंग में कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसमें, और दूसरा है ऑसिलेटरी सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए। अब नेसेसरी कंडीशन चार है आपके पास, क्या है, एक तो ये है कि आपके पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, रगड़ नहीं होना चाहिए, रगड़ बिल्कुल वहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नंबर टू, टू है कि ऑसिलेटरी सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, और उसमें जो हमारे पास क्या है इनर्शिया होना चाहिए। ऑसिलेटरी सिस्टम में इनर्शिया नहीं है आपके पास इसे चेंज नहीं आ सकता। वाइब्रेटरी सिस्टम मस्ट हैव रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आपके पास ऑसिलेटरी सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते ये हमारे पास ऐसे चेंज है, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। नंबर फोर क्या है, आपको ऑसिलेटरी सिस्टम मस्ट हैव ओबे हुक्ला। हुक्ला क्या होता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा कि अभी इसका क्या मतलब है, ये सेंटेंस काम क्या हुआ। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल भी लिखना होगा कि द मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, एक मास को आप स्प्रिंग के साथ बांध लें, उसको आपने थोड़ा सा पुश कर दिया, उसके बाद उसमें इसे चेंज पैदा हो जाएगा। मोशन ऑफ द प्लेस एंड द बॉब आप ले लें, मोशन ऑफ द बॉब अटैच टू द स्प्रिंग, वो भी सब कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर फर्स्ट था।